हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और आपके व्हाट्सएप में कुछ मैसेज जो हैं वो इंग्लिश में आ जाते हैं और उन मैसेजेस में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी आप मीनिंग हिंदी में जानना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में कि ये कैसे हो सकता है, तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस के सेंटेंस के या फिर उसके वर्ड्स के मीनिंग जो है वो हिंदी में आसानी से देख सकते हैं और फिर उन मैसेजेस को समझ सकते हैं और फिर उसके हिसाब से आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने मोबाइल फ़ोन पर चलते हैं और मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप में आए हुए मैसेज जो कि इंग्लिश में हैं उनके जो सेंटेंस हैं या फिर उनके जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आप आसानी से हिंदी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर से गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने सर्च बार में टाइप करना है यू डिक्शनरी या फिर यू डिक्शनरी इंग्लिश ऑफलाइन या फिर यू डिक्शनरी एप्लीकेशन ऐप आप यहाँ पर से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी डिक्शनरी जो है वो मिल जाएंगी और आपने यहाँ पर से सिर्फ यही वाली डिक्शनरी जो है इसको ओपन करना है। आपने इसी को अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करना है। जो इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है वो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी आपको पहला लिंक मिलेगा वो आपको इसी डिक्शनरी का मिलेगा, आप वहाँ पर से क्लिक करके भी इसको अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर से इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर से इसको अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल कर लिया है। मेरे पास यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपके उसमें यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर से इसको अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर से देखिए, जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन करा तो यहाँ पर ये देखिए इसका इंटरफेस जो है वो काफ़ी अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास कुछ ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये आपको बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर से इंग्लिश में कुछ टाइप करेंगे और उसका मीनिंग हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से हिंदी में इसको देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर से इसको स्विच करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर से हिंदी में टाइप करें और उसका मीनिंग आपको इंग्लिश में मिल जाए, तो आप यहाँ पर से इसको स्विच भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इसको इंग्लिश टू हिंदी कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी ऑनलाइन भी काम करती है और ऑफलाइन भी काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को ऑफलाइन यूज़ करें तो आपको क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन की लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड करनी होगी। तो लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से देखिए आपके पास तीन लाइन होती हैं, आपने यहाँ पर से तीन लाइन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से तीन लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑफलाइन डिक्शनरी यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, आपने क्या करना है, यहाँ पर से ऑफलाइन डिक्शनरी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से ऑफलाइन डिक्शनरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लाइब्रेरी जो है वो मिल जाएगी। तो जो भी लाइब्रेरी आप यहाँ पर से डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर से आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से एक एडवांस इंग्लिश डिक्शनरी को यहाँ पर से डाउनलोड कर देता हूँ। एक मैं यहाँ पर से इसको डाउनलोड कर देता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर से इंग्लिश सिंपल सेंटेंस को डाउनलोड कर देता हूँ और तीसरा मैं यहाँ पर से वर्ड नेट इंग्लिश डिक्शनरी को डाउनलोड कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर से इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी को भी यहाँ पर से डाउनलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर से नीचे को स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर से मेरे को ऑप्शन मिल गया है इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसको भी डाउनलोड कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पर से इंग्लिश टू गुजराती डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, जर्मन कर सकते हैं, और भी यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इसको ऑफलाइन अपनी लैंग्वेज में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसकी जो डिक्शनरी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर से जो डिक्शनरी है मैं इसको डाउनलोड होने देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर से इसका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको बंद करूँगा और उसके बाद मैं आप सभी लोगों को दिखाऊँगा कि जो भी आपके व्हाट्सएप में मैसेज आए हैं आप उनको कैसे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उनकी जो सेंटेंस, अगर आप उनका सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अगर आप किसी वर्ड पर्टिकुलर वर्ड को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर वर्ड को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे मोबाइल फ़ोन पे चारों की चारों लाइब्रेरी जो हमने डाउनलोड करी थी वो यहाँ पर से डाउनलोड हो चुकी है। तीन यहाँ पर से ये हो चुकी है और चौथी यहाँ पर से जो हमने इंग्लिश टू हिंदी यहाँ पर से डाउनलोड करी थी वो यहाँ पर हमको ये दिख रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसका जो इंटरनेट है उसको बंद करता हूँ और मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये डिक्शनरी जो है ये ऑफलाइन काम करती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका इंटरनेट बंद करता हूँ। मैं यहाँ पर से वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हूँ तो मैं यहाँ पर से वाईफाई जो है इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर से पैकेट डेटा जो हमारा मोबाइल का सेलुलर डेटा है उसको भी मैं यहाँ पर से बंद कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर से वाईफाई को बंद कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर से सेलुलर डेटा जो है इसको भी मैं यहाँ पर से ऑफ कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर से कम्प्लीटली ऑफलाइन हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से जैसे मान लीजिए हमारे पास व्हाट्सअप में कोई भी एक मैसेज आया है, मैं यहाँ पर से व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ। मैंने मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सअप को ओपन करा और उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे मोबाइल फ़ोन पर हमें कोई मैसेज आया और उस मैसेज का हमने यहाँ पर से हिंदी में मीनिंग देखना है तो हम कैसे उसको हिंदी में मीनिंग जो है वो देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि आपको यू डिक्शनरी में सेटिंग क्या करनी है। तो यहाँ पर से देखिए, ये यू डिक्शनरी थी, मैं यहाँ पर से इसको बैक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास तीन लाइन है, आपने यहाँ पर से तीन लाइन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से तीन लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स का, आपने क्या करना है, यहाँ पर से सेटिंग्स पर क्लिक करना है।
तो जैसे आप यहाँ पर से सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो टैप टू ट्रांसलेट है वो यहाँ पर से ऑन होना चाहिए। तो मेरे उसमें यहाँ पर से ये देखिए ऑन था, मैंने इसको ऑफ कर दिया। आपने क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। अगर आप यहाँ पर से इसको टैप टू ट्रांसलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर से इसको ऑन करना होगा। तो मैंने इसको ऑन कर दिया और उसके बाद हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप में जाते हैं। मैं यहाँ पर से व्हाट्सएप में आ गया। अब मुझे देखिए यहाँ पर से कोई भी मैसेज आया है या फिर सेंटेंस है, मुझे उसकी मीनिंग जो है उसको देखना है, उसको हिंदी में देखना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से ये मैसेज को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इस मैसेज को मैंने सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप में कॉपी का। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से कॉपी पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये जो यू डिक्शनरी है ये एक्टिवेट हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर ये आपको इसकी मीनिंग भी दिखा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था हाउ आर यू और यहाँ पर ये इसने मेरे को हिंदी में मीनिंग दिखा दिया, कैसे हो आप कैसे हो। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में ये यहाँ पर से आपको क्या कर रहा है, मीनिंग जो है वो दिखा दे रहा है। आप अपने व्हाट्सएप में जो भी मैसेज आए हैं, जो भी सेंटेंस आए हैं, जो भी वर्ड आए हैं, आप उनकी मीनिंग जो है यहाँ पर से देख सकते हैं ऑफलाइन। कभी कभी यहाँ पर से आपको कुछ वर्ड जो है वो नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कोई एक मेरे पास ये वर्ड आया है, मैं क्या करता हूँ इसकी मीनिंग जो है उसको देखने की कोशिश करता हूँ ऑफलाइन। तो मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर से इसमें कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर से कॉपी पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर से देखिए इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पर से मेरे को ऑफलाइन मिल चुका है। अगर आपको ये यहाँ पर से ऑफलाइन नहीं मिल रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से अपने उसमें इंटरनेट ऑन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर से आपको इसकी मीनिंग जो है वो मिल जाएगी। और भी इसमें यू डिक्शनरी में बहुत सारे फीचर हैं, जैसे मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ यू डिक्शनरी। यहाँ पर से हम दोबारा से यू डिक्शनरी में आ गए और इसके हम यहाँ पर से होम पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डेली हाईलाइट्स जो है वो मिल जाते हैं। मेरे उसमें अभी यहाँ पर से इंटरनेट कनेक्शन जो है वो मैंने यहाँ पर से इसको हटा रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर से मैंने वाईफाई ओपन कर लिया है, ऑन कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें डेली हाईलाइट्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर से डेली नए नए वर्ड जो हैं वो सीखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ड्स फॉर टुडे, आपको यहाँ पर से नए नए वर्ड मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर से इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपको और भी कई सारे वर्ड जो हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इसमें पिक्चर डिक्शनरी के बारे में, आप यहाँ पर से इसमें पिक्चर डिक्शनरी भी हैं, आपको यहाँ पर से कोर्स मिल जाते हैं डेली। आप यहाँ पर से अगर इनको पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर से इनको भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, अगर आप यहाँ पर से इनको आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इन आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं। और भी यहाँ पर देखिए इसमें क्विज का भी ऑप्शन होता है, अगर आप यहाँ पर से नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्विज का ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर से जैसे मैं नीचे को स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कहीं पर हमको एक क्विज का ऑप्शन मिलेगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर से इन क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इन क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये एक क्विज है, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से इसमें क्लिक करना होगा। और जैसे आप यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। आप यहाँ पर से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आप यहाँ पर से अपनी स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पर से जो आपका सेंटेंस क्रिएशन है आप उसको भी सही कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पर आपको देखने को इसमें मिल जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर से इसको फिलहाल बैक करता हूँ। और ये जो एप्लीकेशन है यू डिक्शनरी, ये गूगल प्ले स्टोर की इंडिया की बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट एप्लीकेशन है 2016 की। तो इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।